आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सीबीआई ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। वीडियोकॉन ग्रुप को रेगुलेशन के खिलाफ जाकर दिए गए करोड़ों रुपए के लोन के मामले में यह गिरफ्तारी हुई। जब ये लोन दिए गए थे उस समय चंदा बैंक में सीईओ और एमडी के पद पर थी। इन लोन्स के एनपीए होने से बैंक को 1730 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि कोचर परिवार को एजेंसी हेडक्वार्टर बुलाया गया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि वे अपने जवाबों में टाल मटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। कोचर को शनिवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा।